सडौरा विधानसभा से एलएसपी प्रत्याशी नथीराम से हमारे ब्यूरो चीफ रमेश सिंह ने खास बात की। इस दौरान उन्होंने जीत का दावा पेश करते हुए कहा कि जनता का पूरा समर्थन उनको मिल रहा है। हरियाणा में चुनाव अपनी चरम सीमा पर है। जाहिर तौर पर राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी दिन रात एक करने में लगे हैं। आप देख सकते हैं अंधेरे का वक्त है, लेकिन चुनाव प्रचार की गति बिल्कुल नहीं थम रही है। यह हमारे साथ एलएसपी के उम्मीदवार सढौरा विधानसभा क्षेत्र से है और आप देख सकते हैं उनके पीछे ये हुजूम। दरअसल ये कोई शहरी यात्रा नहीं है, गांव में वो कैंपेन चला रहे हैं, अपना लोगों से मिल रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, आप तो दिन रात एक करने में लगे हुए हैं चुनाव जीतने के लिए, कैसा समर्थन मिलता है आपको गांव में? देखिए, चुनाव तो जनता ने जितवाना है, लेकिन मैं पिछले चार पाँच साल से जनता में हूँ और जनता के दुख सुख का साथी बना हूँ। आप मेरे साथ देख सकते हैं सैकड़ों लोग हैं। अभी अभी हम थाना छप्पर से यहाँ पर गांव तलाकोर में एक बहुत ही बड़े काफले के साथ सैकड़ों युवाओं साथियों के साथ यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। इन्होंने बहुत मान सम्मान मेरे को दिया। जनता का मूड बन चुका है अब की बार साथियों, जनता का मूड बन चुका है कि सढौरा हलके में हमें वो जरूर मौका देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो जो भी विधायक रहा, जितने भी विधायक रहे, उन्होंने हल्का सढौरा को पीछे गेरने का काम किया। ये देख लो जितनी युवा शक्ति है मेरे साथ, ये बेचारे बेली तो हैं, अगर ये कहीं काम लगे होते तो मेरे साथ रोड शो में थोड़ी होते। चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ कांग्रेस का, उन्होंने कहा युवाओं को हम रोजगार देंगे, तमाम पेंशन देंगे और अच्छी खासी अमाउंट भी देंगे, 10,000-15,000 रुपए तक। आपको क्या लगता है इन चीजों से डाइवर्जन होगा, फिर कांग्रेस से टक्कर होगी, किससे टक्कर होगी आपकी चुनाव में? देखिए, हमारी टक्कर किसी से नहीं है, क्योंकि जनता ने मूड बना लिया है चौधरी राजकुमार सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने का। इन्होंने तो पहले भी ये घोषणा पत्र दिए। जब मैं तो चाहूंगा कि जनता अगर जनता सही नागरिक का कर्तव्य निभाती है, ये लोगों से पूछे इनके घोषणा पत्र से कि पहले ये कहां चले गए थे। पिछले प्लान में 10 साल कांग्रेस ने सरकार बनाई, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी यहां मुख्यमंत्री रहे, पहले उन्होंने कितने के बच्चों को रोजगार दिया, कितना की उन्होंने हरियाणा का विकास कराया, इनसे पूछना चाहिए पहले ये कहां चले गए थे। ऐसी कौन सी शक्ति नहीं थी इनके पास, पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार थी, ये चाहते तो सब कुछ कर सकते थे। इस बार दरअसल चुनाव में क्षेत्रवाद ही नहीं बल्कि रोजगार का मुद्दा अपने आप में अहम है। युवा जो आज सड़कों पर है, जिनको लगता है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा, वो समझता है कि इस बार विकल्प की जरूरत है और इसीलिए जब नेता यहाँ पर पहुंचते हैं, प्रचार करते हैं, तो लोगों का उनको समर्थन मिलता है। ये समर्थन चुनाव के दिन कितना तब्दील हो पाएगा, ये तो वक्त तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सियाराम के साथ कुमार रमेश, R9 TV, यमुनानगर।